साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोभ चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे, नई कंट्री के रिलेटेड आज बात करेंगे। नए नए टॉपिक पे मैं अभी शुरुआत करी है मैंने वीडियो बनाने की, तो कुछ बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यार ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी कि इतने सारे मेरे मोबाइल पे ये आप लोगों के ऑफर लेटर आते हैं, इंपोर्टेंट होता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोगों को जॉब मिल जाती है, घर बैठे कुछ नहीं करना पड़ता, जॉब मिल जाती है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपको तक ये जानकारी मैं पहुंचा सकूं कि अगर इस तरह के जॉब में आप अप्लाई करते हैं तो ऐसे नहीं होता जैसे आपको बताया गया, ऐसे होता है। अगर ये प्रोसेस है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो भाई आप समझ लीजिए कि गलत हो रहा है आपके साथ में। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। अगर आप आज अपन बात करेंगे ऑफिस बॉय, अगर आप सऊदी अरबिया से रिलेटेड आप जॉब में जा रहे हैं ऑफिस बॉय में, तो आपको किस तरह से क्या प्रोसेस आपके साथ में होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बात करेंगे साथियों इंटरव्यू। इंटरव्यू मस्ट होता है। देखिए इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ की सबसे ज्यादा लोग पॉपुलेशन 1 करोड़ के लगभग गल्फ में रहती है, तो डायरेक्ट इंडिया के मैन पावर वहां के मैन पावर से लिंक होते हैं। तो जैसे वहां पे कोई वैकेंसी आती है यहाँ पे वो भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, तो फिर ये इंटरव्यू के माध्यम से इनको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया है ना, सब बैठे घर बैठे लोगों को मिल जाते हैं, जबकि सच्चाई है कि बिना इंटरव्यू अगर आप इसमें जा रहे हो तो काम नहीं होने वाला, आपके पैसा और टाइम खराब होने वाला है, समझ लीजिए। तो इंटरव्यू होगा मस्ट है, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो आपका काम बन सकता है। उसके बाद में बात करें ऑफिस बॉय है क्या, आपको क्या करना पड़ेगा ऑफिस बॉय। बहुत सारे लड़कों को ये नहीं पता होता कि ऑफिस बॉय समझ में आता है सर हमें ऑफिस बॉय की जॉब करनी है, लेकिन ये नहीं पता होता करना क्या होता है, कैसे क्या होता है। एक अनपढ़ आदमी जिसको अपना मतलब खुद का नहीं पता होता है वो भी बोलता है सर ऑफिस बॉय जाना है। तो आज अपन बात करेंगे ऑफिस बॉय है क्या, इसमें काम किस तरह के करने पड़ते हैं। ऑफिस बॉय का मतलब ये है भाई कि जो भी ऑफिस से रिलेटेड जो काम होते हैं छोटे मोटे, वो आपको ऑफिस वाले जो एक वर्कर रखते हैं उसको निपटाने पड़ते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं, आप बैंक में जाते होंगे, बैंक में अगर आप जाते हो तो कभी देखना कोई ना कोई छोटा लड़का या थोड़ी हाइट लड़की छोटी बड़ी की बात नहीं है, एक बंदा होता है जिसमें आप जिसके ऑफिसर के पास खड़े हैं वो एक घंटी बजाता है, एक लड़का दौड़ते हुए आता है, फिर वो उसको फाइल पकड़ाता है, उसको कोई डॉक्यूमेंट देता है, उसको बोलता है, तो वो लेके फिर जाता है। तो ये मान लीजिए ऑफिस बॉय है, समझ लीजिए बात को। काम आपको क्या करना होता है, फाइलों की अदला बदली। जैसे एक ऑफिस में 10 वर्कर बैठे हैं, 20 वर्कर बैठे हैं, यहां से फाइल पकड़ी वहां तक पहुंचाई, वहां से इधर पहुंचाई, ये मतलब डॉक्यूमेंट आदान प्रदान, फोटोकॉपी निकाल ली या फिर फोन उठा लिया या फिर साहब को बोलने जो बोल दिया वगैरह वगैरह, चाय कॉफी कोई मतलब ऑफिस में कोई आ रहे हैं तो उनको लिए चाय कॉफी आपने सर्वे करनी है, तो ये भी ऑफिस बॉय का ही काम आता है। छोटा बड़ा कोई भी काम हो जाता है, इधर उधर ऑफिस के बाहर जाना, कोई सामान लेके आना ऑफिस से रिलेटेड कोई भी हो तो वो आपको करना होता है अंदर बाहर का, ये एक सब ऑफिस बॉय से रिलेटेड ही जॉब में आते हैं। अभी समझ में आ गया होगा कि ऑफिस बॉय का काम क्या रहता है। ये ऑफिस बॉय का काम रहता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो ऑफिस हो, चाहे वो मॉल हो सुपरवाइजर हो, होटल हो, कहीं पर भी हो, चाहे कितना ही बड़ा ऑफिस हो, काम सेम एक जैसा ही होता है, समझ लीजिए बात को। योग्यता की बात कर लें तो कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, पासपोर्ट उसका ECNR होना चाहिए, ये तो तय बात है, अगर ये नहीं है तो काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, इंग्लिश आपको आना जरूरी है, क्योंकि अपन यहां बात कर रहे हैं अदर कंट्री में जॉब से रिलेटेड, तो भाई वहां हिंदी तो चलेगी नहीं, ठीक है, तो हिंदी नहीं चलेगी तो अरबी अपने को आती नहीं है, तो मस्ट लैंग्वेज अंतरराष्ट्रीय जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है इंग्लिश। अगर इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो 50-60% इंग्लिश तो आनी चाहिए, समझ गए, क्योंकि वहां का स्टाफ है पता नहीं कहां का है क्या, तो वो हिंदी बात नहीं करेंगे, वो इंग्लिश में बात करेंगे। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपका बॉस आपको क्या बोल रहा है, क्या चीज लाने के लिए बोल रहा है, क्या चीज रखने के लिए बोल रहा है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। ये चीजें इंटरव्यू में क्लियर हो जाती है कि आप इस जॉब के लायक हो नहीं हो, ठीक है साथियों। अब आपको ये मैंने ये क्लियर कर दिया। सैलरी की बात करें तो हर जगह सैलरी अलग अलग कंट्री में कंडीशन के हिसाब से होती है, ये सैलरी फिक्स नहीं होता, लेकिन मिनिमम सैलरी इतना आपको मिल जाता है 1500 रियाल। अब एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिनका करोड़ों टर्नओवर महीने का होता है तो भाई उसमें सैलरी आपको ठीक मिल जाती होगी, ठीक है। एक शुरुआत में जैसे किसी ऑफिस में 5 ही वर्कर बैठे हैं तो वो आपको सैलरी ज्यादा नहीं दे पाएंगे, वो आपको सैलरी कम मिलेगी। लेकिन मैं बात करूं गल्फ से रिलेटेड, अगर आप सऊदी अरबिया जाते हो तो ये सैलरी ही मिलेगी आपको, इतनी सैलरी मिलेगी, प्लस आपको रूम मिल जाता है, फूड वगैरह भी मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है कंपनी की तरफ से, नहीं मिलता तो भाई खुद का एडजस्ट करना पड़ता है, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस वीजा वगैरह 2 साल का आपको वीजा मिल जाता है, ये प्लस पॉइंट आपका है, 2 साल बाद रिन्यूएबल का ऑप्शन होता है तो रिन्यू हो जाता है,
छुट्टी मिल जाती है 1-2 साल के बाद, कई कंपनी 1 साल से छुट्टी देती है, कई कंपनियां 2 साल से छुट्टी देती है, तो आने जाने की टिकट मिल जाती है, 2 महीने का आपकी लीव सैलरी मिल जाती है, ये बेनिफिट आपको इसमें मिल जाते हैं। ड्यूटी की बात करें 8 से 9 घंटे ड्यूटी होती है, 8-9 घंटे सब जगह ड्यूटी आपको पता है, लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि ऑफिस बॉय को, मेन जो ऑफिस में वर्कर होते हैं, उनसे 1/2 घंटे 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है ताकि वो सिस्टम को तैयार कर सके। ऑफिस में साफ सफाई की जिम्मेदारी उसकी होती है, देखना होता है कोई सामान कोई स्टेशनरी इधर उधर जो भी उसको जो कमी होती है, जो शुरुआत करने के लिए चाहिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट उनको पहले से तैयार करने पड़ते हैं। तो 1/2 घंटे पहले ऑफिस बॉय को ऑफिस में पहुंचना पड़ता है ऑफिस खोलने के लिए। ये नहीं कि ऑफिस के कर्मचारी आके या फिर ऑफिस का मैनेजर आके ऑफिस खोलेगा, नहीं, ये ऑफिस बॉय का काम होता है, उसको ये खोलनी पड़ती है। अब भाई इसमें कमेंट गलत न करें तो ठीक होगा, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से बताया, हर कंडीशन पे अलग अलग नियम लागू होते हैं। कोई बोलेगा सर हमें फूड नहीं मिलता, हम जॉब कर रहे हैं, भाई फूड मिल जाता है, कंडीशन पे होता है, कई बार मिलता है कई जगह नहीं मिलता। कई बोलेंगे सर यहाँ तो हमें सिर्फ 2000 मिल रही है, आप तो झूठ बोल रहे। भाई झूठ बात यह है कि शुरुआत यह है, जैसे जैसे बंदे को एक्सपीरियंस होता है सैलरी बढ़ती रहती है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको इंक्वायरी दे दी, अगर आप सऊदी अरबिया ऑफिस बॉय से रिलेटेड आप जा रहे हैं तो ये सिस्टम आपके साथ है, आपका इंटरव्यू होता है, आपका ऑफर लेटर आता है, उस पर आपके साइन होते हैं, तो ये काम जेन्युइन है। अगर इसके अदरवाइज आपके साथ कुछ हो रहा है, घर बैठे ऑफर लेटर आ रहा है, तो फेक है। मेरे हिसाब से मैंने इंक्वायरी दी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिए ताकि हर रोज इसी टॉपिक पे सही जानकारी सही मोटिवेशन मिलते रहे, जिससे आपको सही जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।